हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हुडस रॉबिन ब्लॉग। आज हम लोग बनाने वाले हैं बेलमी पूरी। बेलमी पूरी बनाने के लिए सबसे पहले लेना है उड़द का दाल और मूंग का दाल। उसको भिगोने के लिए छोड़ देना है 2 से 3 घंटे के लिए। जब अच्छे से फूल जाएगा तो उसको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद उसको एक मिक्सी के जार में डाल के उसको अच्छे से पीस दीजिएगा। उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से महीन पीस देना है। पीसने के बाद हम लेंगे एक कटौती। उस कटौती में डालना है हमें सूजी 2 कटोरी, फिर उसमें डालना है 3 कटोरी मैदा, और उसमें डालेंगे हम 4 कटोरी आटा, और उस तीनों चीज़ को अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद हम डालेंगे उसमें अपना पीसा हुआ दाल को। दाल को डाल देंगे और उसमें डालना है अजवाइन मंगरेला, और उसके बाद उसमें डालना है 1 चम्मच नमक और 2 या 3 चम्मच इसमें रिफाइंड डालना है, और उसके बाद उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद उसमें 1 कटोरी पानी लेंगे और उसको धीरे धीरे सान लेंगे। सानने के बाद हम उसका डो बना के रख देंगे ढकने के लिए। 5 मिनट के बाद हम उस डो के लेंगे और छोटे छोटे आकार में लोहे काट लेंगे। लोया को अच्छे से बेल लेंगे। बेलने के बाद हम चढ़ाया है कढ़ाई और उसमें डाला रिफाइंड और उसको गर्म होने के लिए छोड़ दिए। जब वो अच्छे से गर्म हो गया तो हमारे पूरी को हम उसमें तल लेंगे। तलने के बाद धीमी धीमी आंच पर उसको तल लेंगे पूरे अच्छे से लाल होने तक। जब वो अच्छे से लाल हो जाएगा फिर हम उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमने बनाया था घुघनी और उसके बाद हम उसके साथ खा रहे हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगा और आप लोग भी घर पे जरूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाना बहुत आसान होता है और खाइएगा तो बहुत टेस्टी लगता है। घर पे जरूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हुडस रॉबिन।